नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। युवा एकता परिषद युवा आगाज के संस्थापक सदस्यों की आवश्यक बैठक के बाद प्रोड्यूसर रिया लबलेस रजक को समाज सेवा के प्रति अघोर सक्रियता को देखते हुए सर्वसम्मति से महिला इकाई का संरक्षक नियुक्त किया गया। साथ ही उन्हें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नई दिल्ली का प्रभार देकर प्रभारी बनाया गया है, जो सभी प्रदेशों में संगठन को मजबूत करने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए उनको समाज से जोड़ने का कार्य करेंगी। इस दौरान युवा एकता परिषद के युवाओं ने रिया जी को महिला इकाई का संरक्षक बनाए जाने पर भव्य बधाई कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में आए अतिथि गढ़वा और युवाओं ने अपने शब्दों के माध्यम से रिया जी को संरक्षक बनने की बधाई और शुभकामनाएं दी, जिसमें प्रमुख रूप से वरिष्ठ समाज सेवी राज बिहारी रजक, ममता रजक, युवा एकता परिषद के संरक्षक पंडित सचिन शर्मा सूर्या, प्रदेश संयोजक कुशाग्र पांडे किट्टू, प्रदेश अध्यक्ष दीपक शर्मा सरकार, फिल्म प्रोड्यूसर लबलेस रजक, अनामिका दुबे, सुभाष मिश्रा, मनसुख भाई, अकेला दरबार के संचालक बघेल, गायक आशीष अकेला पंचू, बघेली स्टार अविनाश तिवारी, उमेश मिश्रा बिहान, लोकेश ओझा, सत्यम तिवारी, अंकित तिवारी, रावेन द्विवेदी, सुशील प्रताप सिंह, बिंध विजन चैनल के संचालक नितिन द्विवेदी, धीरू दद्दा, भूतपूर्व सैनिक दिवाकर द्विवेदी, समाज सेवी राजू जायसवाल, लालता पाठक, अंबुज पांडे, राज पांडे उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक रीवा के जिला संयोजक सूर्य प्रकाश द्विवेदी सूर्या रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन जयराम पांडे एवं युवा शायर अमन द्विवेदी के द्वारा किया गया। आभार प्रदर्शन युवा एकता परिषद के संरक्षक पंडित सचिन शर्मा सूर्या के द्वारा किया गया। युवा एकता परिषद महिला इकाई के नव नियुक्त संरक्षक श्रीमती रिया लबलेस रजक ने महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय की रोकथाम की शपथ लेते हुए कहा कि आज संपूर्ण भारत वर्ष में महिलाएं किसी से कम नहीं है। अपने घर, परिवार व समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। युवा एकता परिषद द्वारा उन्हें साधारण सी सेवक को इतना बड़ा दायित्व दिया, उसके लिए वह आखिरी सांस तक पूर्ण प्रयास करती रहेंगी। आयोजक मंडल में शुभम मिश्रा, छात्र इकाई रीवा के जिला अध्यक्ष अमन शुक्ला आर्यन, मनीष द्विवेदी, राहुल पांडे, संजय मिश्रा, सोनू द्विवेदी, यश मिश्रा सहित भारी संख्या में युवा उपस्थित रहे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं रीवा से हमारे रिपोर्टर अमन शुक्ला आर्यन की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। मैं ज्यादा तो कुछ बोल नहीं पाती हूँ, बट मेरी तरफ से बस मैं इतना कहना चाहूंगी, एक इंग्लिश में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैं चाहूंगी हम अपनी जो बाहर बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनको मजबूत बनाने से पहले हम अपने घर की बहु बेटियों को मजबूत बनाएं। बहू हो तो उनको बेटियों जैसा ही प्यार दें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको हम क्या बोले इनकरेज करें आगे बढ़ने के लिए। तो अभी जब मैंने सचिन भैया के साथ जुड़ के ये महिला इकाई का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है उसको जरूर पूरा करूंगी, और इसमें मैं ये बिलीव करती हूँ कि सचिन भैया मेरे हर कदम साथ में रहेंगे। बट मैं यहाँ पे खड़ी हूँ सिर्फ और सिर्फ हमारे पापा जी जो हमारे साथ बैठे हैं उनकी वजह से। अगर वो एक मेरे को बहू समझ के घर में रखते तो शायद मैं यहाँ पे ना खड़ी होती। उन्होंने मेरे को बेटी जैसा प्यार दिया और अपने बेटे के बराबर मेरे को लाके खड़ा किया। तो सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि वो हमारा साथ ना देते तो शायद हम ये सब कुछ नहीं कर पाते। एंड उसके बाद मैं अपने पति देव का थैंक यू करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरे को हर कदम में, हर एक चीज में मेरा सपोर्ट किया। एंड मैं सभी युवा भाई जो मेरे यहाँ पे साथ में है उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मेरे को उस लायक समझा और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे सौंपा। थैंक यू। बस उसके अंदर एक ललक होनी चाहिए, एक क्षमता होनी चाहिए कुछ कर दिखाने की। हमारे बीच उपस्थित जैसा कि हमारे छोटे भाई अविनाश तिवारी जी ने बघेल खंड की इस धरती को, बघेली के रूप को जिस तरह से उन्होंने पुनर्जीवित किया वह वास्तव में काबिले तारीफ है। हमारे बीच उपस्थित हमारे चौपाल के मनसुख भाई, सम्मानित मंच, हमारे बड़े भाई सचिन भाई, आप सभी लोगों ने जिस तरह से युवा एकता परिषद का गठन किया है, युवा एकता परिषद की जो जिम्मेदारी संभाली है, निश्चित रूप से वो बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। हमारे बीच उपस्थित मैं कई लोगों का नाम नहीं जानती हूँ, मैं सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज एक बहुत ही खुशी का दिन है
कि हमारे बीच में इस जिम्मेदारी को एक महिला ने निर्वहन किया है। रिया दीदी, आज थोड़ा सा हमारे देश में हमारे यहाँ महिलाओं की जरूर संख्या कम है, लेकिन महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, जैसा कि अब हमारे कई भाइयों ने बताया। बस जरूरत है तुम्हें सही दिशा देने की, सही तरीके से काम करने की। हमारे युवा भाई, आप कहीं भी पीछे नहीं हो। आप देखिए, हमारे ये तीन योद्धा वीर अमर नौजवान शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने अपने नाम से, अपने कर्म से, भले ही आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज हम इनका नाम लेते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। मैं ये नहीं कहती कि आप जाके असेंबली में बम फेंक दो, लेकिन आप अन्याय को मत सहो। जो अन्याय सहता है वो मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा अपराधी होता है। आज यदि हमारे देश का युवा, हमारे देश का नौजवान, हमारे देश की लड़कियां, हमारे देश की महिलाएं यदि एकत्र होकर किसी भी मुद्दे को उठाएंगी, तो ना आपको किसी दल में जाने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी राजनीतिक संगठन के पीछे जाने की जरूरत पड़ेगी। बस आपको इन हाथों को मजबूत करना होगा, अपनी आदतों को आपको सुधारना होगा, आपको अपने अपनी आवाज उठानी होगी, तभी आप कुछ कर पाओगे। जहाजों पे उठने वाले समंदर को तूफान कहते हैं, जहाजों पे उठने वाले समंदर को तूफान कहते हैं, और जो उस तूफान से टकरा जाए उसे विंध्य का इंसान कहते हैं, उसे विंध्य का इंसान कहते हैं। मेरे युवा तरुणाइयों, सीढ़ियां तो उनके लिए बनाई जाती हैं जिन्हें छत पे जाना होता है, उनके लिए नहीं जिन्हें आसमान पे जाना होता है। और आप सभी को उस आसमान की बुलंदियों पर पहुंचना है, उस आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचना है। और जिस दिन आप सभी एकत्र होकर अपनी आवाज उठाएंगे, चाहे आप बेरोजगारी के क्षेत्र में, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे आप समाज के क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से सरकार कोई भी हो, आपके आगे झुकना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये सिद्ध किया है हमारे अमर नौजवान शहीदों ने। चाहे आप देख लीजिए, कोई भी युवा हो, आप वो कहीं भी पीछे नहीं हटा है। बस आज आपको जरूरत है एक सही दिशा की, सही निर्देश की, सही संकल्प की। मैं इस युवा एकता परिषद को, मैं जितने भी इसके पदाधिकारी हैं, मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने इस तरह से युवाओं को जोड़ने के लिए एक संकल्प उठाया है। और निश्चित रूप से हमारे युवा तरुणाई इससे सीखेंगे और देश के बागडोर संभालेंगे, क्योंकि आप हमारे देश की औषधि हो, समाज की स्फूर्ति हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।